फ्रिज जगह पे आके ना मैंने सोच लिया था नहीं खेलना ये गेम भैया, नहीं अपन से नहीं खिला रहा, मैंने सोचा मर जाओ। हाँ और भैया ये पबजी वाले मेरे को मरने तक नहीं देते ढंग से, क्या बताऊँ मैं भैया तुम्हें। अच्छा तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, मैं चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ वापिस। अभी देखो ये वाले गेम प्ले पूरा देखना, क्योंकि इसमें ना मेरे साथ बहुत अजब अजब चीज़ें होंगी। और इसमें तुम्हें दो गेम प्ले दिखाऊंगा, एक BGMI का दिखाऊंगा, एक पबजी का दिखाऊंगा, और एक में चिकन करेंगे, एक में बंदों की पेटी बनाएंगे। अब देखो मैं इधर आ रखा था और मैं ऐसी जगह पर कूदा जहाँ पर गन तो नहीं कुछ भी नहीं मिलेगा, और फिर मैं जो उतर के इस पर आता हूँ और मैंने देखा कि इधर से एक बंदा भाग के जा रहा है अभी, तो मैंने क्या करा उस बंदे का पीछा किया और ये बंदा बिल्डिंग के अंदर नहीं इधर भाग गया था। और देख रहो मतलब ठंड इतनी लग रही है कि बंदे मुझसे पिला नहीं रहे, क्या पता क्यों, लेकिन कोई बात नहीं, तब भी पी लेंगे और जितना पिला रहा है उतना पी लेंगे। अब देखो मैं आता हूँ दूसरी वाली बिल्डिंग में, उसको पेल के, और जैसे ही मैं आता हूँ ना देखो और तुम देख रहे हो मतलब मेरे एम देखो तुम, मतलब बंदे तो छोड़ो मुझसे कभी बोट सामने जाएगा ना तो उसको भी मैं हेड नहीं पेल पाऊंगा। मैं गेट के बाहर जा रहा हूँ लेकिन घुस वापस नहीं पे गया। आप देखो मैंने भाई इस बंदे को बहुत देखा, ये बंदे ने मेरे ऊपर रश नहीं किया और मैंने इसके टीममेट को तो पेल दिया, और ये बंदा है ना तभी ऊपर बंदे पेलने गया। मैं समझ गया कि भैया जब तक ये नीचे आएगा ना, जब तक मैं इसको भर के चला जाऊंगा, तो मैंने इसको जो है पेल दिया इधर पे। ये भैया ऊपर दूसरी वाली बिल्डिंग में पेलने लग गया था, मैंने इसको देखा भाई जाके मैंने जल्दी से पेल दिया। अब भाई तभी ना इसका टीममेट उतरा मजे में कि नहीं वापस से उतरूंगा और इसको पेल दूंगा उसी से, हम भी बहुत तेज हैं, हमने मोली फेंक दी, आ जाओ अंदर तुम। और विक्टर चाचा भाई 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 उनकी चिता जल गई देखो, और मैं इतना इसको छुप छुप के क्यों देख रहा था मुझे नहीं आया समझ में, लेकिन मैंने इसको पेल दिया और मैंने क्या करा जल्दी से लूटा लाटी की और मैं देखने लग गया और बंदे, और तभी ना दो नंबर की बिल्डिंग में बंदे थे और मैं देख रहा कि ये दो नंबर भैया मार किसको रहे, तभी मेरे को बंदा दिखा और मैंने नॉक भी कर दिया। और जैसे ही मैंने नॉक किया मैं तो माइक ओपन कर रखे था और दो नंबर भैया से बात भी कर रहा, लेकिन दो नंबर भैया क्या पता कौन सी दुनिया में थे ना, मुझसे वो बात कर रहा है और मैं ये सोच रहा था अब मेरे को डायरेक्ट रश करना है, और मैं ये सोच रहा था अब मैं सोच रहा था जो वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन भाई साहब इधर पे जो है हमारे ऊपर थर्ड पार्टी हो जाती है, हम इन बंदों को पेलते हैं तभी हम पे M4 चिपका देता है एक बंदा। अब देखो तुम, और मेरे को पूरा यकीन था इधर पे पक्का एक नेट आएगा, और भैया दो नंबर और एक एनिमी ने मेरे को घेर लिया वहीं पे, और मेरी मतलब भैया पेटी बनी जाती देख रहे हो तुम। और इधर पे जो बीच वाली बिल्डिंग में बंदे थे उन बंदों ने हमारे ऊपर रश कर दिया, मैंने कहा दो नंबर की गई तेल लेने पेटी, मैं भागूंगा और पहले हेल्थ किट लगाऊंगा। मैं जल्दी से घर के अंदर आया, हेल्थ किट पहली, हेल्थ किट नहीं बैंडेज पहली, और फिर क्या था फिर पिटना था और क्या, और अपन से होता ही क्या है, अपन पिट जाएंगे और फिर वापस आएंगे पिट के, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें भाई साहब मैं सही बता रहा हूँ, ये गेम प्ले मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये दूसरा गेम प्ले निकला नहीं, मतलब निकलने तो रखे हैं लेकिन मैंने सोचा कोई नहीं जय दिखाते हैं, इसमें मज़े आए थे मुझे खेलने में। अब देखो मैं तुम्हें वो वाले गेम प्ले दिखाता हूँ जिसको गेम प्ले देखने में मतलब देखने में नहीं मुझे खेलने में मज़े आए। अब मैं डायरेक्ट कार लेके आया या बाइक लेके कुछ भी आया इधर पे, और इधर पे ना एक बंदा बहुत खतरनाक था ये देखो, और ऐसे सांप सिर्फ तुम्हें मिलेंगे उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तानों में इसी जगह पे मिलेंगे, और ये भैया बहुत ही खतरनाक थे यार, मतलब क्या ही बताऊं मैं तुम्हें। उनको लग रहा था मैं इधर से ही आऊंगा, मैं दूसरे वाले घर से कूद के आ गया उधर पे और उन भैया की पेटी बना दी। अब देखो और क्या करना था मेरे को, कार लेके फिर अपार्टमेंट से आना था, वो यासनाया के पे मैं मरा था, अब इधर पे भी मर जाएंगे थोड़ी देर बाद, तुम चिंता काहे के लिए कर रहे हो। हाँ देखो अभी, और भैया मैं सही बता रहा हूँ कभी तुमसे उजी की 35 गोली में एक बंदा नोक नहीं हो रहा ना, तो तुम ये समझ लो कि तुम पबजी खेलने के लिए लायक नहीं हूँ। अब वो मुझे नहीं पता मैं कैसे खेल लेता हूँ, लेकिन देख रहा हो मतलब एक रिलोड में मैं बंदे को पेल नहीं पा रही, मैं क्या बताऊँ मैं तुमको, ठंड इतनी लग रही थी।
कोई बात नहीं, फेल दिया जैसे तैसे। अब तुम कभी ये नेट देख के ना तुम्हें मजा नहीं आया होगा ना, तुम मेरा नाम ही पलट देना, वैसे तुम्हें मेरा नाम ही नहीं पता। अब मैंने नेट कुक किया और बस तुम देखो अब ये नेट से मैं कैसे मर गया तुम्हें पता चल गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरे गेम प्ले की बात करेंगे। और तुम्हें मजा तो नहीं आया था, मैंने ऐसे ही बोल दिया, अब मैं दूसरे गेम प्ले की बात करता हूँ। इस गेम प्ले में ना भाई मैं उतरा हॉट ड्रॉप पे, ठीक है, एक बंदा नहीं उतरा भाई इधर, सिर्फ ये बोट आया और बंदे क्यों नहीं आए मुझे खुद समझ में नहीं आया। मेरा दिमाग उड़ गया कि भैया मैं नहीं खेल रहा इस गेम को, और तुम देखना आगे जाके मेरे साथ क्या होगा भाई, मेरा इतना दिमाग खसक जाएगा ना मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बस तुम देखो इधर पे ना भाई पीछे बंदे आ रहे थे लूट लाट के करने, कहाँ से मैं बाइक लेकर डायरेक्ट इधर आया, और ये बंदे मेरे ऊपर फायरिंग नहीं कर रहे थे, ये बंदे इन बंदों को पेलने लग गए थे, और ये बंदे नहीं थे बोट थे। और मैंने सोचा भाई ये बंदा फिनिश क्यों नहीं हुआ, तभी भाई मैंने उसको तो पेल दिया, लेकिन तभी लेफ्ट से एक बंदे मतलब दूसरी स्क्वाड जो उनको पेल रही थी वो बंदे मेरे ऊपर रश कर जाते हैं, तो इसको एक को नॉक किया। और उसके टीममेट को भी पेल ही दिया, मतलब भैया विक्टर एक बहुत खतरनाक गन है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और इस जगह पे आके ना मैंने सोच लिया था नहीं खेलना ये गेम भैया, नहीं अपन से नहीं खिला रहा, मैंने सोचा मर जाओ हाँ। और भैया ये पबजी वाले मेरे को मरने तक नहीं देते ढंग से, क्या बताऊँ मैं भैया तुम्हें, बहुत ही खतरनाक। मैंने सोच लिया था मर जाओ, लेकिन पता चला भैया मैं एक बार और जिंदा हो सकता हूँ हाँ। और कैसे हो गया, क्योंकि भैया मैं उधर हॉट ड्रॉप पे उतरा था, और 30 बंदे 50 बंदे मरने के बाद भी ये रिस्पॉन वाला कार्ड खत्म नहीं हुआ, मुझे ये समझ में नहीं आई। और मैं पिट के वापस से आया कहाँ पे क्या बोलते हैं अपार्टमेंट, सॉरी इधर पे ये बंदा मेरे सामने ही खड़ा था, और मैं 2 घंटे से देख रहा था कि ये बाउंड्री के पीछे है, लेकिन वो बंदे को भी ऐसा लग रहा था कि मैं बाउंड्री के पीछे हूँ, जबकि वो बाउंड्री के पीछे था और मैं घर के अंदर था, और इसका दूसरा टीममेट इधर पे था, ठीक है। अब इस बंदे को क्या समझ में आई, इसने नेड नहीं मारा, इसने बॉल मार दी मेरे को, देखो तुम। और बॉल से क्या होता है, उस बॉल ने अपना काम कर दिया था, लेकिन अपन भी बहुत तेज थे, अपने पास बॉल तो नहीं थी लेकिन नेट था, तो मैंने नेट कुक किया और बंदे की पेटी बना दी, क्योंकि मेरे को पता था ना वो बंदा भागेगा नहीं, भागता तो मैं उसको उजी से पेल देता, तो उसने भैया भाई हेल्थ किट पेलना चालू की, मैंने भी नेट कुक करके भाई पेल दिया। अब देखो ये बंदे ना थोड़ी देर पहले मेरी बगल में लड़ रहे थे, लेकिन ये है ना कार उठा के भग गए, मैंने इन्हीं ऊपर रश किया था। अब ये बंदे ना भाई पहाड़ी के ऊपर जाके रुक गए और इनने मेरी कार पकड़ दी, मैंने सोच लिया कोई बात नहीं तुम अब मेरे को पेल के दिखाओ, मैं फुटबॉल लेके इधर आ गया, और ये बंदों ने मेरे ऊपर रश कर दिया, और मैं यही सोच रहा था। और ये बंदे ना बहुत बंदे पेल रहे थे, और भाई इन दोनों को भी इजी पेल दिया, और ये बंदे सही में बहुत बंदे पेल रहे थे। मैं सोच रहा था भैया मेरे को बंदे नहीं मिल रहे, इन बंदों को बंदे मिल कहाँ से रहे हैं, मैं पूरे मेज में बंदे ढूंढ रहा हूँ, ये बंदे मेरे को दिखे ही नहीं, और ये बंदों ने इतने बंदे पेले। और तुम सोच रहे हो अब बोट होंगे वो, लेकिन नहीं भाई वो बंदे थे, अब देखो सामने बंदे थे और मैं उनको पेलने लगता हूँ। अब भैया मैं इधर पे क्यों आया कैसे आया वो मैं बोलने की जगह मैं तुम्हें ये सुनने लग गया कि वो बंदे बहुत बंदे पेल रहे थे, अब उनको छोड़ो तुम इन बंदों पे ध्यान दो। ये बंदों की मेरे को लोकेशन पता थी, क्योंकि ये भैया उधर से बहुत देर से स्नाइपर चला रहे थे, और ये बंदों को अब जोन में आना था और मैं पहले से जोन में था, तो मैंने एक बंदे को नॉक किया। अब उसका दूसरा टीममेट क्या करता, रिवाइव देता कि भगता, तो उसने सोचा नहीं अपन से नहीं खिलाएगा गेम में, अपन तो रिवाइव दे लेते हैं, लेकिन रिवाइव देने के बाद ना वो बंदा नोक होता है जिसको ये रिवाइव देता है, और वो फिनिश भी हो जाता है, और वो भैया फिर भगते भगते, और भैया मैं क्या बताऊं तुम्हें, किल तो हो नहीं पाया लेकिन चिकन हो गया, और ये गेम खेलने की मेरी इच्छा नहीं हो रही थी।